आज हैदराबाद और चेन्नई के बीच मैच खेला जाना है। मुझे लगता है कि हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि चेन्नई के पास एक कुशन है। 8 में से 7 मैचेस जीते हुए हैं, 14 पॉइंट्स उनके पास हैं। अगले 6 में अगर वो 2-3 मैच हार भी जाते हैं तो भी वो टॉप 2 में पहुंचने की उनके पास काबिलियत है। जहां तक हैदराबाद का सवाल है, अपने 7 में से केवल 3 ही मैचेस जीते हैं, सो ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित, कैसा लगता है कि क्या क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हैदराबाद? सबसे बड़ी उम्मीद उनकी है कि मिडिल ऑर्डर वहाँ स्ट्रगल करें भैया। अगर आप बात करें वॉर्नर और अगर जॉनी बेस्टो रन करते हैं तो 3, 4, 5 नंबर ऐसा नजर आता है कि कोई है ही नहीं, तो शायद यहाँ पर इन्हें वर्क करना पड़ेगा। विलियमसन जरूर वापस आए पर ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आए 4-5 पे कि अगर ये दोनों आउट हो जाए टीम को जिता सके, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है और शायद इस कंसर्न को भरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इतने मैच हार चुके हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की थी हैदराबाद ने पर बाद के मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो उनके टॉप 2 हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। पिछले मैच में हमने देखा था कुछ चेंजेस भी किए थे उन्होंने मिडिल ऑर्डर में, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। सो इस मैच में आपको क्या लगता है कि उन्हीं चेंजेस के साथ जाना चाहिए या अपने जो सीजन प्लेयर्स हैं उनको वापस लाना चाहिए? देखिए, टीम मैनेजमेंट का एक डिसीजन होना जरूरी है। आप ये देखें कि मैंने कई फ्रेंचाइजी में देखा कि 2 मैच खराब होते हैं, आप प्लेयर को बैक नहीं करते, आप उनको बाहर उठाते हैं। अगर आप मनीष पांडे को देखें, किसी को इतना लंबा रन नहीं मिला। अगर रन मिला होता तो परफॉर्मेंस बेटर होती है, अगर रन नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो शायद ये दिक्कत हैदराबाद के साथ, अगर आप यूसुफ पठान, मनीष पांडे को, ये दोनों इंडिया खेले प्लेयर है, अगर इनको बैक नहीं करेंगे तो आपकी जो मजबूरी है कि किसको खिलाएं, तो फिर वही चलता रहेगा। आप अभिषेक शर्मा को खिलाओ या रिक्की भुई को खिलाओ, तो फिर ये दिक्कत रहेगी पूरे टूर्नामेंट। चेन्नई की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस समय, क्या आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी कुछ चेंजेस करेंगे, जो बेंच पर प्लेयर्स बैठे हैं उनको मौका देंगे? एक कंसर्न जो मुझे टॉप ऑर्डर में दिख रहा है, शेन वॉटसन, पूरे टूर्नामेंट में ऐसा लय दिखी नहीं जिस तरह से लास्ट ईयर दिखी थी, फाइनल में शतक लगाए, पर एक कंसर्न वही है। हाँ, धोनी के अंदर सबसे बड़ी है कि अगर फ्लॉप भी होता फिर भी बैक किया जाता है, इसलिए टीम जीत रही है। अगर सुरेश रैना की बात करो, पिछले मैच में रन बना, उससे पिछले मैच में रन नहीं है, तो कई चीज़ें धोनी की है कि वो उनको पता होता है कि ये वाला प्लेयर कब चलेगा तो मुझे जिताएगा जब इसका टाइम आएगा, तो वो चीज़ें बड़ी डिपेंड करती है इस टूर्नामेंट के अंदर, और ये चीज़ धोनी से सीखनी चाहिए हर फ्रेंचाइजी को। और जिस तरह से अमित ने बताया कि शेन वॉटसन ने रन नहीं बनाए, देखते ये हैं कि इतनी बढ़िया पोजीशन में है महेंद्र सिंह धोनी की टीम, क्या वो ऐसा कोई चांस लेते हैं कि कोई डोमेस्टिक प्लेयर को ओपन पर ट्राई करें?